हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था। एक सेनापति को शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिमाण, नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वो सब मैं आपको बताता हूं। लंका के चार बड़े द्वार हैं। उनके मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और प्रबल उपल यंत्र रखे हुए हैं, जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहां विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। पुरी के चारों ओर सोने का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब ओर भयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है, जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। इस खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने चार संक्रम भरे हुए हैं, जो शत्रु के आने पर यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं। उसके चारों ओर प्राकृत और कृत्रिम रुकावटें हैं। चार प्रकार के दुर्ग हैं और कई प्रकार की व्यूह रचना है, जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालयों को विध्वंस कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था।